उसके अंदर आप बटन्स कैसे बनाएंगे और बटन्स पे काम कैसे करेंगे। तो बटन्स पे काम करने के लिए हमारे पास फॉर्म्स का होना जरूरी है। और बटन्स क्या काम करते हैं, बटन्स बेसिकली आपका नेक्स्ट प्रीवियस, आपका फर्स्ट लास्ट, आपका ऐड रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, आपका ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म और आपकी जो है एग्जिट आपका करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, क्या आपका जो है फाइन करने के लिए कोई भी चीज, इसके लिए ये बटन यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बटन हम इसके लिए यूज कर रहे हैं। साइन तो यहाँ पर जो है ये चीज आपकी है। अब इसके लिए कोई भी मैं टेबल ले लेती हूँ, फॉर्म एक से ज्यादा मेरे पास है, मैं एक फॉर्म अभी क्रिएट करूंगी लेकिन एक से ज्यादा फॉर्म मैंने क्लियर किए हैं। मैं फॉर्म की कमांड बताऊंगी तो एक से ज्यादा फॉर्म होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं टेबल 5 ओपन कर रही हूँ। टेबल 5 का मैं जल्दी से जो है एक फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ सिंपल। यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया, ये फॉर्म मेरे पास आ गया जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अच्छा, फॉर्म के मैंने 3 व्यू आपको बताए हुए हैं, जो कि एक डिजाइन व्यू है आपका, एक लेआउट व्यू है और एक आपका प्रीव्यू है। जो डिजाइन व्यू है आपका, काम सारा बटन का इसी पे सही होता है। जो आपका लेआउट व्यू है, काम इस पे भी आता है लेकिन सेटिंग इस पे नहीं होती है। तो आप जो है डिजाइन व्यू पे जाके काम करेंगे। डिजाइन व्यू पे जब आप चले गए, यहाँ पर ये डिजाइन व्यू आ गया आपका। ठीक है, आपने जो है यहाँ से जो है ये चीज ले ली, यहाँ ये आ गई। अब आप सबको मैंने बताया कि किस तरह से आप इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ से ये मूव कर लिया आपने, आप आ गए यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आप डिजाइन में आ गए। डिजाइन में ना आपने बटन उठा लिया, ठीक है ना, ये बटन है। बटन पे आपने क्लिक किया और बटन जैसा भी आप बना रहे हैं, बाद में बटन आपका जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा साइज के लिहाज से जो पिक्चर है। यहाँ पर देखिए नेविगेशन बटन, कमांड बटन विजर्ड है, इसके अंदर रिकॉर्ड नेविगेशन है, रिकॉर्ड ऑपरेशन है, फॉर्म ऑपरेशन है, रिपोर्ट ऑपरेशन है, एप्लीकेशन है, मिसलिनियस है। ये बटन से जिस पर आपको काम करना है, इसके अंदर मजीद इसकी कैटेगरी है। जैसा कि रिकॉर्ड नेविगेशन में फाइंड का बटन है, फाइंड रिकॉर्ड का बटन है, फर्स्ट लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस रिकॉर्ड के बटन है। रिकॉर्ड ऑपरेशन में आते हैं या ऐड, डिलीट, डुप्लीकेट, प्रिंट, सेव, अंडू का बटन है। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम आते हैं तो ये आपका प्रिंटर, क्लोज फॉर्म, ओपन फॉर्म, प्रिंट फॉर्म, ये सारे जिसमें प्रिंट फॉर्म ओपन फॉर्म लेंगे। प्रिंटर लगाओ तो ओपन फॉर्म, क्लोज फॉर्म लेंगे, प्रिंटर लगाओ तो प्रिंटर, रिपोर्ट में भी चिता है। तो हम पहले आ जाते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन पे। रिकॉर्ड नेविगेशन पे फर्स्ट बटन, और मैं एक फर्स्ट बटन बताऊंगी, एक मैं नेक्स्ट बटन बताऊंगी, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट बटन में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ये रहा मेरा फर्स्ट बटन, मैंने नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट बटन का ऑटोमेटिक आइकन बना हुआ आ गया, नेक्स्ट किया मैंने, ये आ गया। अब यहाँ पर आपके पास ये पूछता है, विजर्ड दो ऑप्शन होते हैं कि आपको टेक्स्ट फॉर्मेट पे रखना है या आपको पिक्चर फॉर्मेट पे रखना है। मुझे पिक्चर फॉर्मेट पे रखना है, इन चीजों को आपने अभी नहीं यूज करना। नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ जो है हम जो यहाँ पर मीनिंगफुल नेम हम देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें वो नाम चाहिए होते हैं। अभी जब हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो डेटा बेस पे काम कर रहे हैं, तो हमें कोई भी नाम हो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसे यही नाम लेने देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने इसको फिनिश कर देना, ये फिनिश हो गया नाम। ये मेरे पास एक फर्स्ट गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन मेरे पास आ गया। अब मैं सारे बटन नहीं बताऊंगी, सारे आपको आ जाएंगे बनाने, ये इसी बटन है। यहाँ पर मैं एक जो है वो नेक्स्ट बटन बनाऊंगी। यहाँ पर आपने लिया, देखिए साइज ऑटोमेटिकली ये कर देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट रिकॉर्ड का बनाऊंगी। यहाँ पर नेक्स्ट किया मैंने, नेक्स्ट का आपके पास ऑटोमेटिकली आइकन आ गया है। इसको भी मैं आइकन फॉर्म में लूंगी, नेक्स्ट कर दूंगी और यहाँ पर फिनिश कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये फिनिश आपका हो गया और यहाँ पर ये चीज आपकी आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इसका प्रीव्यू देखूँ फॉर्म का, तो देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पे ये जा रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड पे ये आ गया, इसके बाद कोई रिकॉर्ड नहीं। यहाँ पर ये नेक्स्ट बटन, इस तरह से ये काम करेगा आपका बटन। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये चीज ले लेनी है। इसके बाद वापस से मैं डिजाइन व्यू पे जाती हूँ। डिजाइन व्यू पे जाने के बाद मैं जो हूँ यहाँ पर दूसरा बटन लेती हूँ, जो दूसरा बटन दूसरा और जैसे कैटेगरी चूज करूंगी मैं रिकॉर्ड ऑपरेशन की। बाकी सारे बटन आपने कर लेना। फाइंड का जरा देख लेते हैं, यहाँ पर फाइंड और फाइंड रिकॉर्ड चार बटन चलना होता है। ये अलग आप लोगों ने भी देखा था, देख लीजिए फाइंड और फाइंड रिकॉर्ड चार बटन चलना होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा वर्क नहीं करता है, इतना ज्यादा यूज में नहीं आता है। लेकिन मैं फिर भी आपको इसका जो है इसकी जो है आपको वर्किंग बता देती हूँ।
फाइन नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, ये फाइन नेक्स्ट का बटन आपका आ गया, ये फाइन नेक्स्ट है आपका, ठीक है ना। आपने इसको जो है नेक्स्ट किया और यहाँ पर जो है फिनिश कर दिया। इसी के साथ मैं फाइन का बटन भी बना लेती हूँ। ये दोनों बटन साथ वर्किंग करते हैं और ये काफी रिकॉर्ड के अंदर जो है काम आपका होता है। इसी के अंदर मैं फाइन रिकॉर्ड, जब फाइन नेक्स्ट करेंगे तो वो फाइन रिकॉर्ड कर देगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको रन करती हूँ, यहाँ पर ये रन किया मैंने, अब यहाँ पर जो है मैं इस पे जाती हूँ, ये देखिए अभी ये क्या कह रहा है कि आपका रिकॉर्ड कोई फाइन नहीं है। यहाँ पर मैं जाती हूँ इसको छोड़ दें, यहाँ पर ये मैक्रो ही कमांड पे चलेगा। यहाँ पर आती हूँ मैं, यहाँ पर मैं फाइन करती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट करें मैं फाइन करती हूँ इसको के 7 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ मैं होल्ड फील्ड, यानी कि एनी पार्ट ऑफ फील्ड, फील्ड के किसी भी पार्ट में से वो मुझे बता दे। और यहाँ से आप अप डाउन नहीं ऑन में से ले, ठीक है। तो यहाँ पर करंट डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली हो गए, तो फाइन कर दूँ मैं, ये देखिए आपको 7 बता रहे हैं फाइन करके, सही है। तो ये फाइन का बटन ये काम करेगा, जो फाइन ये रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड आपसे फाइन करेगा। ये देखिए अब ये इसमें आ गया है कि फाइन करेगा, लेकिन फाइन रिकॉर्ड जो है प्रोग्रामिंग के साथ चलता है। तो आपका ये बटन तो काम करता है, इस बटन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपकी हो गई, यहाँ पर इसको आपने देख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर दूसरी कैटेगरी पे, दूसरी कैटेगरी हम लेते हैं जनाब रिकॉर्ड ऑपरेशन। रिकॉर्ड ऑपरेशन में ऐड न्यू रिकॉर्ड, एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज आपने यहाँ पर ले लिया, मैंने यहाँ पर जो है बैक किया और इसको मैंने जो है टेस्ट ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया, ऐड न्यू रिकॉर्ड का एक बटन मेरे पास बन गया। इसी तरह से एक जो है मैं ऐड डिलीट रिकॉर्ड करूंगी, मैं अभी मैं इसको बंद करती हूँ, मैंने थोड़ी देर कुछ चलाया, ठीक है। यहाँ पर जो है डिलीट, नेक्स्ट, ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया। अगर मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए ऐड रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड ऐड करना है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने स्टेट दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर जिप कोड दे दिया, फोन नंबर दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है। ये हो गया, ये ऐड हो गया रिकॉर्ड, आपका फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे। और ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड पे आप आएंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पे आपको यही रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप बैक का बटन होता तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से बैक कर देती हूँ, ये रहा। अब इसको डिलीट करना है, मुझे डिलीट रिकॉर्ड, ये कह रहा है डिलीट हो गया, ठीक है। तो दोनों बटन आपके वर्किंग कर रहे हैं जैसे कि आपने देखा है। अब जनाब हम डिजाइन व्यू पे आते हैं, और हम डिजाइन व्यू पे आके कुछ और तो काम करते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस कैटेगरी का बटन, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। तो रही फॉर्म ऑपरेशन, क्लोज फॉर्म, एक क्लोज फॉर्म कर दीजिए, नेक्स्ट। और यहाँ पर मैं टैक्सी ले रही हूँ इसे, नेक्स्ट और फिनिश। और एक ओपन फॉर्म कर दे, यहाँ कर दिया मैंने ये। और यहाँ पर जो है फॉर्म और ओपन फॉर्म, नेक्स्ट। देखिए आपके पास इस बटन पे काम करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा फॉर्म का खुलाना लाजमी है। अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर ये कोई वर्किंग नहीं करेगा। मैं फॉर्म 3 कह रही हूँ, इसे खोल के दे मुझे, नेक्स्ट, फिनिश। जब भी ऑल रिकॉर्ड्स के सारे, ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं, ऑल रिकॉर्ड, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा तो वो जो है आपको फॉर्म 3 पे ले जाएगा, सही है। आगे फॉर्म 3 पे जब भी इस पे कोई करेगा, ओपन फॉर्म, आपका ये ओपन फॉर्म कर दिया। और जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा, क्लोज फॉर्म, ये क्लोज कर देगा, वो फॉर्म आपका क्लोज हो गया। तो ये चीज आपने देख ली कि यहाँ पर ये चीज आपकी जो है इस तरह से होगी और इस तरह से ये काम होगा। अब हम आते हैं जनाब लास्ट वन अपनी कैटेगरी पे। लास्ट वन हमारी अभी रिपोर्ट हमने की है, तो हम इस पे नहीं जाएंगे। रिपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप काम कर देंगे। फॉर्म ऑपरेशन हो गया आपका, आप प्रिंट का भी लगा सकते हैं, आप रिफ्रेश भी लगा सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर्म हो जाए जो आपकी वर्क। एप्लीकेशन पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट। एप्लीकेशन पे आने के बाद आपने यहाँ से जो है इसको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फिनिश, यानी आपने एक्सिस अगर बंद करना है तो आप क्लिक कर दें यहाँ पर, यस नो,
फिल होगी बड़ी जितने भी फॉर्म खुले हैं वहाँ से पूछेगा और बदलेगा ठीक है स्टॉप कर दिए तो